जितने भी बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोचिंग माफिया है, शिक्षक है, सबको पकड़ा जाए। खान कोचिंग के स्टाफ ने भी हमको धमकी दिया था, क्यों देंगे कोई हमको धमकी? आंदोलन कर रहे थे तो धमकी दिया गया क्यों? ये लोग नहीं चाहते कि पेपर लीक ना हो, ये लोग नहीं चाहते कि धांधली सेटिंग बंद हो। खान कोचिंग के और तो बोल ही रहे कि खान कोचिंग के स्टाफ ने, हम तो तारीख बताने के लिए तैयार है भाई। क्या ये लोग अपने से करा रहे हैं या खान कोचिंग का या खान सर का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसकी जाँच होनी चाहिए। बीपीएससी द्वारा आयोजित TR3 की परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये रद्द का मामला पिछले कई दिनों से सड़कों पर देखने को मिल रहा था और लगातार छात्र नेताओं के द्वारा आक्रोशित प्रदर्शन किया जा रहा था और सरकार को एक चेतावनी भी दी गई थी कि जिस तरह से इस परीक्षा में कदाचार सामने आई है, अब उस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह गया है और ऐसे में सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने छात्र नेता दिलीप की बात भी मान ली है और परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब इस परीक्षा के रद्द होने के बाद अब छात्र नेता और छात्रों की क्या कुछ नीति होगी, इन पर चर्चा करते हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। क्या लगता है कि अब तो सरकार ने आपकी बात मान ली है, परीक्षा रद्द हो गया, अब आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की बात को उन्होंने माना। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद, छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं, उभरे छात्र आंदोलन से ही उभरे हैं नीतीश कुमार जी, तो छात्रों के साथ उनको न्याय करना चाहिए। और साथ में हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा? परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, परीक्षा रद्द होगा, फिर परीक्षा, तो एक बार एक क्यों नहीं एक सर्जिकल स्ट्राइक शिक्षा माफियाओं पर आप करते हैं? कठोर कानून बनाइए और फिलहाल अभी जो कानून है उसको तो सख्ती से लागू कीजिए। स्पीडी ट्रायल करके 5 से 6 महीना में सज़ा दिलवाइए। जो भी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए कि कभी वो फॉर्म नहीं भर सके। जो भी शिक्षा माफिया सेटर दलाल या अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं उसकी सारी संपत्ति जब्त हो, नौकरी में है तो नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और जहाँ जहाँ उसका संपत्ति है, होटल है, कुछ भी है, सब जब्त किया जाए, वहाँ लाइब्रेरी खोल दिया जाए और स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दिया जाए। 15 साल कम से कम सज़ा हो, 15 साल से अधिक जितना सजा लगता है। सरकार के द्वारा जो गिरफ्त में आए विशाल, क्या विशाल मुख्य सरगना है क्या इस पूरे? नहीं, विशाल तो एक मोहरा है, विशाल जैसा कई लोग होंगे, विशाल जैसे कई लोग हैं, इसके ऊपर कौन लोग है उसकी जांच होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना है। नेता मंत्री कौन है, IAS IPS कौन है, उसकी जांच हो और उसको पकड़ा जाए। जब तक वो लोग नहीं पकड़ा जाएगा तब तक फिर विशाल जैसा तो बहुत है। BPSC 67 में शक्ति सिंह का नाम आया था, उसी पे मामला रुक गया। तो जब तक बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसलिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि जितने भी बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोचिंग माफिया है, शिक्षक है, सबको पकड़ा जाए, और जो भी इस तरह की हरकत करते हैं इसमें इन्वॉल्व है। विशाल चौरसिया किन किन शिक्षकों से मिलता था, क्या संबंध था, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी पकड़े गए किस किस कोचिंग के अभ्यर्थी है, क्या उस कोचिंग वाले की संलिप्तता है, उस शिक्षक की संलिप्तता है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हमें फ़ोन मैसेज कर रहे हैं। खान आप लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं, सड़कों पर देखने को मिलते हैं, आप जेल भी जा चुके हैं, कई बार आपको धमकियाँ भी मिली है, क्या लगता है ये जो धमकियाँ मिलती हैं कहीं ना कहीं इस गिरोह के साथ साठगांठ है, और कौन लोग हैं जो आपको धमकी देते हैं? देखिए, धमकियाँ बहुत जगह से मिलते रहती है, हम उस सबसे डरते नहीं है। खान कोचिंग के स्टाफ ने भी हमको धमकी दिया था 2020। क्यों दिए थे? 2020 में ऐसे ही क्यों देंगे कोई हमको धमकी? आंदोलन कर रहे थे तो धमकी दिया गया क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, ये लोग नहीं चाहते कि पेपर लीक ना हो, ये लोग नहीं चाहते कि धांधली सेटिंग बंद हो। अगर ये लोग चाहते कि धांधली सेटिंग बंद हो तो ये लोग क्यों दिलीप कुमार को बोलेगा कि बम मार देंगे भाई? क्यों बोले? इशारा किसकी हो रहा है? ये तो खान कोचिंग के और तो बोल ही रहा है कि खान कोचिंग के स्टाफ ने, हम तो तारीख बताने के लिए तैयार है भाई, तारीख बता देंगे हम किस तारीख को ऐसा किया गया। और आज भी हम कर रहे हैं, अभ्यर्थी हमको बहुत मैसेज कर रहे हैं कि खान कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट ने सेटिंग कराया है, तो जांच हो कि क्या ये लोग अपने से करा रहे हैं या खान कोचिंग का या खान सर का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं जांच की मांग कर रहा हूं, हम जांच एजेंसी नहीं है, जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई है, तो आर्थिक अपराध इकाई इस बात की जाँच करे कि खान सर या कोई भी कोचिंग वाले या कोई भी शिक्षक या कोई भी अधिकारी जो भी इसमें संलिप्त हो उसकी जांच होनी चाहिए कि संलिप्तता है या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। प्रिंटिंग हुआ था क्वेश्चन का आउट ऑफ स्टेट, फिर लीक आउट हो गया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से संलिप्तता है क्या? जब तक BPSC ऑफिस के अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तब तक तो संभव ही नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो जाएगा। इसलिए BPSC ऑफिस के अंदर जो चोर लोग बैठा है, भ्रष्टाचारी बैठा है, उसको बाहर करना जरूरी है। और हम मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए शिक्षा माफियाओं पर, और BPSC ऑफिस के अंदर 2-4 विकेट गिरना जरूरी है। जब तक BPSC ऑफिस के अंदर 2-4 विकेट नहीं गिरेगा ना, तो ये लोग नहीं शांत रहने वाले, ये लोग फिर गैंग बनाएंगे, फिर इस किसी और तरीके से पेपर लीक करेंगे, धांधली सेटिंग करेंगे। क्या अब क्या मांग करते हैं? परीक्षा रद्द हो गई, अब यही मांग है कि शिक्षा माफिया पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, सख्त कानून बने, सख्ती से लागू हो। जो भी बड़े बड़े लोग शिक्षा माफिया
कोचिंग माफिया, टीचर, नेता, मंत्री, विधायक, कोई ऑफिसर जो भी हो संलिप्त, सबको जेल भेजा जाए। और अभ्यर्थियों से भी हम कहेंगे आप सबको धन्यवाद, अभिभावक गणों को धन्यवाद जिन्होंने अपार समर्थन दिया इस आंदोलन को। सरकार को पता चल गया तो सरकार ने पहले ही बात मान ली। कुछ शिक्षकगण भी साथ दे रहे थे, कुछ यूट्यूबर, आप जैसे मीडिया लोग भी साथ दे रहे थे, सबको धन्यवाद। और अभ्यर्थियों से भी हम कहना चाहेंगे कि जिस एकजुटता का परिचय आप लोग ने दिया वही एकजुटता आगे भी बनानी होगी। और हमने जो समस्या झेली है, कैसे बनेगी, क्या दिलीप अकेले बनाएंगे, दिलीप अकेले करेंगे? वही मैं बताऊँ, पिछले 8-10 साल से हम लड़ रहे हैं। हमने समस्या झेली है कि हमारा कोई संगठन नहीं है, अलग अलग जिला में कोई इकाई नहीं है, टीम नहीं है। तो इसलिए हम लोग अब एक स्टूडेंट यूनियन बनाने जा रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए, आप लोग भी नाम का सुझाव दे सकते हैं और क्या उसका लोगो हो, झंडा हो, आप लोग सुझाव दीजिए। और एक स्टूडेंट यूनियन बनाने जा रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। जो भी अपने अपने जिला से नेतृत्व करना चाहते हैं सामने आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपको अपने जिला का नेतृत्व देंगे। और कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, छात्रों के साथ अगर गलत होगा तो ये छात्र संगठन बिहार के हर जिला में उतरकर आंदोलन करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि परीक्षा रद्द होने के बाद भी अब दिलीप कुमार का साफ कहना है कि जिस तरह से परीक्षा ने सरकार के द्वारा ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है और छात्रों की मांग को उन्होंने पूरा किया है। लेकिन उसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच करते हुए जो भी दोषी हैं उनकी संपत्ति को जब्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।